आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 Android मोबाइल फोन में आप अपने YouTube की वीडियो को अपना स्लो मोशन में कैसे चला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन का ना इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फोन का यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक वीडियो जो है कोई भी एक वीडियो आपको प्ले कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ये वीडियो यहाँ पे प्ले कर रखा है। अब आपने जो भी वीडियो प्ले कर रखे ना उस वीडियो पे आपको टैप करना है, तो आपका देखिए कोने में सेटिंग का आइकन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो कोने में सेटिंग का आइकन है इसे आपको टैप करना है, तो आपका एक ये पेज आता है नीचे की साइड में, इसमें आपको नीचे की साइड प्ले बैक स्पीड का ये ऑप्शन आपको टैप कर लेना है, तो आपका फिर से एक और ये पेज आता है। इसमें देखिए आपका ना ये नॉर्मल के सामने पहले से राइट टिक लगा हुआ रहता है, तो नॉर्मल के जो ऊपर वाले जो तीन ऑप्शन है ना, ऊपर वाले तीन ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपके स्लो मोशन में काम करते हैं। जो 0.75 है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो 0.75 है ये आपका स्लो मोशन में काम करता है, जो ये 0.5 है ये आपका और भी ज़्यादा स्लो मोशन में काम करता है, और ये जो 0.25 है ये आपका सबसे ज़्यादा स्लो मोशन में काम करता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे वीडियो चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.25 पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए वीडियो कैसे स्लो मोशन में यहाँ पे चलने लग रही है, ठीक है। तो इससे इस तरीके से आप जो ना अपने यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, लोग अपने अपने तरीकों से अपने अपने हिसाब से यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में करते हैं। कई सारे लोग जो अपने कोई प्रोजेक्ट करते हैं तब जाके स्लो मोशन में चलाते हैं ताकि उनको ठीक से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, मैं जो है YouTube की वीडियो को स्लो मोशन में क्यों करता हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है ना, वीडियो में ऐसा कोई पॉइंट होता है जो मेरे को ठीक से समझ में नहीं आता है, जैसे वो पॉइंट या तो ठीक से सुनाई नहीं दिया है या तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, मैं क्या करता हूं उसे स्लो मोशन में कर लेता हूं, जिसकी वजह से मेरे को वो जो पॉइंट है वो ठीक से समझ में आ जाता है। क्योंकि देखिए स्लो मोशन में करने से वीडियो तो स्लो होता ही है, साथ ही साथ उसकी जो वॉइस होती है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप जो अपनी यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हैं, ठीक है।